Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. कल दौराला में हुए हादसे के बाद रात 10 बजे डीएम दीपक मीणा की ओर से ऐलान कर दिया गया था कि एनडीआरएफ की टीम रवाना हो जाए। जितनी खोज होनी थी हो चुकी है, लिहाजा आज फिर से जनशक्ति कोल्ड स्टोर पर तमाम अधिकारियों का जमावड़ा देखने को मिला। पूर्व विधायक चौधरी चंद्रवीर सिंह के जनशक्ति कोल्ड स्टोर को भयानक हादसे के बाद शनिवार को एसपी क्राइम एडीएम की मौजूदगी में सील लगा दी गई है। सुबह से लेकर दोपहर तक अधिकारियों के कोल्ड स्टोर पर जमा होने की खबर है। सूत्रों की माने तो कोल्ड स्टोर की बाकी बिल्डिंग को प्रशासन ध्वस्त करने के मूड में है। उधर मृतक बलवंत के भाई सूरज ने दौराला थाने पर 304 ए में पूर्व विधायक चौधरी चंद्रवीर सिंह, मैनेजर सुरेश, टेक्नीशियन वे दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। कोल्ड स्टोर के आसपास लोगों को पुलिस प्रशासन आने से रोक रहा है। कल हुए इस खौफनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 27 जख्मी है। सुनिए डीएम दीपक मीणा से मिली जानकारी। यहाँ पे किसी इंपैक्ट की वजह से दीवार गिरी और ऊपर का जो मलबा है वो गिरा और जिसकी वजह से सभी लोग उसमें दबे, तो पूरे के पूरे 27 लोग रेस्क्यू हो गए, जिनमें से 12 लोग इतनी स्टेबल हैं जिनको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत नहीं पड़ी। 7 लोगों की डेथ हुई है और बाकी लोग हॉस्पिटलाइज हैं, वो भी स्टेबल हैं। और ये सभी लोग जम्मू के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के थे, तो वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने सूचित कर दिया है, वो लोग हमारे टच में हैं, उनको बता दिया गया। और बाकी जो लोग यहाँ हैं उनको भी जो हॉस्पिटल में उनका इलाज भी सही तरीके से किया जा रहा है, सभी सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। और अभी एनडीआरएफ ने पूरा अपना रेस्क्यू ऑपरेशन फिनिश किया है, तो कोशिश यही है कि जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनके परिजनों को सूचित करके और उनको सपोर्ट किया जाए और बाकी जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं उनका सही से इलाज करके उनको जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज किया। क्या सर जिन लोगों की डेथ हुई है उनको मुआवजा भी दिया जाएगा? नहीं, देखिए ऑलरेडी लेबर लॉज में है, जो ऑलरेडी डीएलसी या लेबर डिपार्टमेंट के लोग आए ऑलरेडी नोटिस देंगे और उसी हिसाब से जो भी कंपनसेशन मिलना है वो हम लोगों को दिलवाएंगे। और उसके अलावा जो भी मदद हमारे लेवल के लोग वो हम लोग करेंगे। सर अमोनिया का अभी भी खतरा बना हुआ है, कोल्ड स्टोर के आसपास स्कूल हैं, कल बच्चों का पेपर भी है शायद, उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए? नहीं देखिए, जो अमोनिया का लीकेज था वो ऑलरेडी बंद कर दिया गया, तो ऐसा इशू नहीं। फिर भी एहतियातन तौर पर हम लोगों ने जो स्कूल है बगल में उसकी तो अभी बोर्ड की वो सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, तो उसमें कोई बोर्ड के एग्जाम्स नहीं है, वो हमने कल के लिए बंद कर दिया। परसों संडे है तो तब तक हम लोग जो भी अमोनिया का डिस्पोजल और बाकी चीज़ें करनी है मिल जाती है। कोल्ड स्टोर की बची हुई बिल्डिंग को भी क्या गिराया गया? नहीं, वो उसका आंकलन कर रहे हैं हम लोग, और जो भी सेफ पार्ट नहीं है, जो भी अनसेफ पार्ट होगा वो डिमोलिश होगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।